हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स द ढाबा और मैं हूँ सोनू सिन्हा। तो दोस्तों, आज एक ऐसी स्टोरी से मैं आपको रूबरू करवाने वाला हूँ जिसे सुनकर आपको गूज़बम्स आ जाएंगे और आप सोच में पड़ जाओगे, क्या ये सच है, क्या ऐसा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ केदारनाथ धाम के बारे में। जब मैंने पहली बार ये स्टोरी सुनी थी तो मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था और एक स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्ट सा हो गया था और मैं सोच में पड़ गया था क्यों ये स्टोरी अब तक मुझ तक नहीं पहुंची, क्यों इस स्टोरी को लेट लग गया या मुझसे ही लेट हो गई इस स्टोरी तक पहुंचने में। तो फिर मैं सोचने लगा, अगर मैं इतना कनेक्ट हो सकता हूं तो और लोग भी इससे कनेक्ट हो सकते हैं, केदारनाथ धाम के बारे में जान सकते हैं इस स्टोरी के बारे में। तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बनाता हूं मेरे अपने ऑडियंस के लिए और जो लोग आने वाले वक्त में इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए। Let's start the true story of Kedarnath Dham। तो दोस्तों, ये कहानी है बहुत पुरानी, जब हमारे देश में नहीं हुआ करते थे एरोप्लेन और रेलगाड़ी, मतलब दूर तक ट्रैवलिंग करने के मीडियम और लग्जरी आइटम के नाम पर सिर्फ हुआ करते थे बैलगाड़ी। मतलब जिनके पास होते थे बैलगाड़ी उस टाइम पर सिर्फ वही कहलाते थे एकमात्र विजय मालिया और अंबानी। किसी गाँव में एक किसान रहा करता था, वो बहुत निर्धन था, इतना कि अपने परिवार को दो वक्त का खाना जुटा सके उसके पास उतना भी धन नहीं था। भगवान में रखता था वो सच्ची निष्ठा, खुद के लिए थोड़ा ही सही पर लोगों के हित के लिए बहुत सोचता, जितना हो सके वो दान पुण्य करता था मगर किसी के आगे अपने हाथों को नहीं फैलाता था, क्योंकि भरोसा था उसे अपने कर्मों पर। अपने जीवन शैली से तो वो गरीब था लेकिन दिल से वो राजा कहलाता था। उसके गांव में शिव जी का बहुत ही बड़ा मंदिर था, जहां पंडित जी पूजा के साथ साथ सारे गांव वालों को कहानियां सुनाया करते थे। लोग तो बहुत कम आते थे लेकिन वो किसान हर रोज पहुंचा करता था, क्योंकि शिव जी में उसकी सच्ची निष्ठा थी और वो ज्ञान का भूखा था। एक दिन कहानियों में पंडित जी ने केदारनाथ धाम के बारे में बताया और कहा, हमारे देश भारत में केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और जिन लोगों की परेशानियां, जिन लोगों की प्रॉब्लम्स और जितने भी लाइफ में उन्होंने स्ट्रगल किया है, अगर वो केदारनाथ धाम एक बार जाते हैं और भगवान महादेव की सच्चे मन से पूजा करते हैं, उनके सारे दुख भगवान महादेव शिव हर लेते हैं। तो ये बात सुनकर किसान के मन में बहुत सारे सवाल जागे और उन्होंने पंडित जी से पूछा, बाबा आप मुझे बताएं कि केदारनाथ धाम तक कैसे पहुँचा जा सकता है, मैं भी जाऊँगा अपने आराध्य से मिलने के लिए। तो पंडित जी हल्की मुस्कान से हंसकर उस किसान को बोले, बेटे वहाँ मतलब केदारनाथ धाम हमारे गांव से बहुत ही दूर है, वहाँ तक जाने में कई महीने लग सकते हैं। अगर तुम वहाँ जाओगे और इतनी गर्मी अभी पड़ रही है, तुम्हारे प्राण भी निकल सकते, प्राण भी त्याग सकते हो तुम, इसीलिए उतनी दूर जाने की मत सोचो, तुमसे ना हो पाएगा। तो किसान बोला, अब मैंने तो सोच लिया है, शिव जी मेरे आराध्य हैं, मैं उनकी पूजा करने के लिए केदारनाथ जाऊंगा, चाहे कितना भी वक्त लगे, चाहे भूख लगे, चाहे आधे मार्ग में मेरे प्राण निकल जाए। तो ये सुनकर पंडित जी ने कहा, तथास्तु, तुम्हारी यात्रा जल पूर्ण हो। अगले दिन प्रातः सूर्य उदय से पहले वो किसान नंगे पैर और एक धोती पहनकर और अपने हाथों में एक गठरी लेकर केदारनाथ धाम के लिए निकल पड़ा। बहुत गर्मी थी, मतलब गर्मी का, जब वो किसान अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए निकला था वो जून जुलाई की चिलचिलाहट गर्मी से थी, मतलब इतनी कि अगर पानी ना पियो थोड़े थोड़े देर में तो उसके प्राण भी निकल सकते हैं और धरती इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती है कि पैरों में फफोले भी, फुंसियाँ भी निकल सकती है, पैर जल पड़ेंगे। लेकिन उस किसान ने तो ठान लिया था कि मुझे अपने आराध्य केदारनाथ धाम महादेव शिव से मिलने के लिए जाना है। काफ़ी वक्त लगा, काफ़ी जगह उसने रुका, कितने दिन तो उसने कोई खाना भी नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया, जो भी मिला वो खाकर काफ़ी 4-5-6 महीने के बाद आखिरकार वो केदारनाथ धाम पहुंच गया। जब वो पहुंचा वहां पे उसने देखा कि बर्फ पड़ रही है हल्की हल्की और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जब वो किसान अपने गाँव से निकला था वो जून जुलाई की चिलचिलाहट भरी गर्मी थी, अब 5-6 महीने गुजर चुके हैं, अब ठंड की मौसम आ चुकी है। इतने दिन के लंबे और थकाव जर्नी को तय करने के बाद जब वो किसान केदारनाथ धाम मंदिर को पहुंचता है तब वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि मंदिर के पंडित जी एक बहुत ही बड़े दिए को जलाकर मंदिर के बाहर निकलते हैं और मंदिर को ताला लगा रहे होते हैं। तो वो किसान पंडित जी को बोलता है कि पंडित जी कृपया करके मुझे एक बार अपने आराध्य महादेव से मिलने दें।
तो पंडित जी बोलते हैं कि बेटा अब ऐसा नहीं हो सकता, अब अगर तुम्हें महादेव के दर्शन करने हैं तो तुम्हें 5 से 6 महीने के बाद वापस आना पड़ेगा, क्योंकि इस केदारनाथ के कुछ नियम हैं। एक बार अगर ये केदारनाथ धाम के पट बंद कर दिए जाते हैं तो वो कम से कम 5 से 6 महीने बाद खुलते हैं, क्योंकि ठंड के मौसम में इतनी ज़्यादा यहाँ ठंड पड़ जाती है और इतनी ज़्यादा बर्फबारी हो जाती है कि सारे आने और जाने के मार्ग और मंदिर आधा बर्फ से ढक जाते हैं, जिससे आने वाले आम लोगों को इससे परेशानी का सामना करना पड़ता है और हादसे भी टल जाते हैं अगर 6 महीने ये दरवाजे बंद रहते हैं तो। तो किसान ने कहा कि मेरे पास अभी कोई साधन नहीं है कि मैं अपने घर को वापस जाऊं, क्योंकि इस केदारनाथ धाम में आने में ही मुझे 5 से 6 महीने लगे, कृपया करके मुझे एक बार अपने आराध्य से मिलने दें। पंडित जी ने उसकी एक ना मानी। पंडित जी ने कहा कि अगर आपको दर्शन करने हैं तो 5 से 6 महीने के बाद ही आना पड़ेगा, जब सारे बर्फ पिघल जाएंगे तब, इसीलिए तुम वापस चले जाओ या इधर ही कहीं आसरा ले लो अपना। तो किसान ने कहा मैं तो अपने घर को अब वापस नहीं जाने वाला, क्योंकि मेरे अब शरीर में इतनी भी ताकत नहीं है कि मैं वापस चल के जाऊं, इसीलिए अब मेरे अगर प्राण भी निकलने होंगे अपने शरीर से तो इसी दरवाजे पे ही निकलेंगे, इसीलिए मैं यहीं रहूंगा। तो ये सुनकर पंडित जी ने कहा कि जैसी तुम्हारी मर्जी और जैसी महादेव की मर्जी, ये बोलकर पंडित जी वहां से निकल जाते हैं। फिर जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही है, ठंड भी बढ़ती जा रही है और ढेर सारी बर्फबारी भी हो रही है, मतलब इतनी ज़्यादा ठंड कि शरीर से किसी भी जीव के प्राण निकलने के लिए काफ़ी है इतनी ज़्यादा ठंड। तो आधी रात के बाद एक बाबा उस मंदिर के पास से गुजर रहे होते हैं और वो बाबा उस किसान को देख रहे होते हैं कि आखिर वो कौन है, कौन इंसान वहाँ पर बैठा हुआ इतनी कड़कड़ाहट वाली ठंड में। वो बाबा शायद उन अपने घर से निकले थे कुछ काम के लिए, कुछ छोटे मोटे काम के लिए जो अपने घर जा रहे थे, लेकिन उस किसान को देखकर वहीं रुक जाते हैं और उस किसान के पास जाकर पूछते हैं कि बेटा तुम कौन हो और इतनी कड़कड़ाहट वाली ठंड में तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो किसान बोलता बाबा मैं बहुत दूर से आया हूँ, अपने आराध्य से मिलने के लिए आऊँ, उनसे पूजा करने के लिए आऊँ, लेकिन पंडित जी ने आज दरवाजे बंद कर दिए हैं, उन्होंने कहा कि 6 महीने बाद आना, कुछ नियम बता रहे थे। तो बाबा ने कहा हाँ बेटा, केदारनाथ धाम के तो ऐसे ही नियम हैं, मानना तो पड़ेगा। इसीलिए पंडित जी ने कहा कि तुम अपने घर चले जाओ या कहीं और चले जाओ। तो किसान ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, अगर मेरे प्राण निकलने होंगे तो मैं यहीं निकलूंगा, यहीं निकलेंगे, वरना मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो बाबा ये सुनकर दंग रह गए और उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ भोजन है तुम्हारे लिए, उसे खा लो और मैं तुम्हारे लिए आग जला देता हूँ तुम्हारे सामने, जिसकी गर्माहट से तुम्हें थोड़ी गर्मी मिलेगी, नींद तो नहीं आएगी लेकिन थोड़ी बहुत आराम जरूर मिलेगी। तो बाबा ने उस किसान को वो सारे भोजन दे दिए, आग जला दिए और वहाँ से चले गए। थोड़े देर के बाद उस भोजन को खाने के बाद और उस आग की गर्माहट के बाद वो किसान सो गया और दूसरे दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। कल रात को बहुत बर्फबारी हुई और आज सुबह हो चुकी थी और किसान की नींद खुली, वो जागा और बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया अपने चारों ओर देखकर। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कल रात को जहाँ मैं सोया था इतनी ज़्यादा बर्फबारी हो रही थी, जहाँ इंसान तो क्या एक पंछी भी नज़र नहीं आ रहा था, आज मेरे नींद खुलते ही ऐसा क्या हो गया, ना कहीं बर्फ दिख रहा है, सिर्फ मेरे अगल बगल चारों तरफ सिर्फ लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं, पंछी चहचहा रहे हैं और पंडित जी भी आ रहे हैं, और केदारनाथ धाम के जहाँ मंदिर को पंडित जी ने स्वयं बंद किया था आज उसे खोल दिया गया, ऐसा क्या हो गया। तो वो दौड़ता दौड़ता भागता भागता पंडित जी के पास पहुँचा और कहा पंडित जी ऐसा क्या हो गया एक रात में, मैं कल आपसे मिला, कल मैंने आपको कहा कि मुझे अपने आराध्य के दर्शन करने दे, तो आपने कहा कि बर्फबारी हो रही है, इतनी ज़्यादा ठंड है, अब 6 महीने के बाद आना। तो पंडित जी ये सुनकर हैरान हो गए, तुम कौन हो और ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो। तो कहा पंडित जी याद करो, मैं कल आपसे मिला था और मैंने आपसे कहा था कि मैं अपने आराध्य से मिलने आया, बहुत दूर से आया हूँ। तो पंडित जी ने कहा क्या तुम वही लड़के हो, वही इंसान हो जो 6 महीने पहले यहाँ पे आए थे। तो ये सुनकर किसान बहुत ही हैरान हो गया, बोले 6 महीने, मैं तो कल ही आपसे मिला था। अब क्या हो गया कि उस किसान के चेहरे पर बहुत ज़्यादा दाढ़ियाँ आ गई थी, उनके बाल बाल पूरे बढ़ गए थे, ये देखकर उसे पहचानना बहुत ही मुश्किल हो गया था। तो किसान को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पंडित जी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो पंडित जी ने उसे अपने पास बैठाया और उससे पूछा तुम मुझे सारी बातें बताओ, कल जब तुम सोए थे सोने से पहले तुम्हारे साथ कुछ अजीब हुआ था। तो किसान ने कहा अजीब तो कुछ नहीं हुआ,
मैं सो गया था, उससे पहले एक बाबा आए थे मेरे पास। तो पंडित जी ने कहा, बाबा कैसे बाबा, मुझे उनके बारे में पूरा बताओ। तो किसान ने कहा कि वो बाबा मेरे पास आए, उन्होंने मुझे अपने बचे हुए भोजन खिलाए और आग भी जलाए कि मैं मुझे उससे गर्माहट मिले और मैं उसकी गर्माहट में सो जाऊं। तो ये सुनकर पंडित जी हंसने लगे, बहुत ही खुश हो गए और उस किसान के चरणों को नमन करने लगे, उनके चरणों को पकड़कर प्रणाम करने लगे, मैंने नमस्कार करने लगे। और पंडित जी ने किसान से कहा, वो कोई बाबा नहीं थे, वो शिव जी थे, तुम्हारे आराध्य थे, जो बाबा के रूप में तुमसे मिलने आए थे। उन्होंने तुम्हारी आस्था देखकर, तुम्हारी तपस्या देखकर इतनी ज़्यादा खुश हो गए कि उन्होंने अपने हाथों से तुम्हें खिलाया, गर्माहट दी कि तुम्हारी तबीयत खराब ना हो, तुम बीमार ना पड़ो, और तुम्हारे 6 महीने को एक रात में बदल दी। किसान ये सुनकर हैरान हो गया और रोने लगा कि मैं जिनसे मिलने के लिए आया था वो मुझसे मिले, उन्होंने मुझे खाना खिलाया, आग की गर्माहट दी और मैं उन्हें पहचान ना पाया और वो चले गए। किसान रोने लगा और पंडित जी ने कहा, हे वत्स, तुम बेकार में रो रहे हो, मुझे देखो, मैं और मेरे पूर्वज ना जाने कितने दशक से इस केदारनाथ धाम में शिव जी की आराधना, शिव जी की पूजा में लगे हुए हैं, लेकिन आज तक हम शिव जी को साक्षात नहीं देख पाए हैं। तुम ऐसे पहले मानव हो, पहले इंसान हो जिन्हें शंकर जी दिखाई दिए हैं, तो खुश हो जाओ, तुम्हें तुम्हारे तपस्या से तुम्हारे आराध्य खुश हो गए। ये सुनकर किसान बहुत ही खुद को धनवान समझने लगा। उसने सोचा, मेरी जितनी तपस्या थी सब पूरी हो गई, मेरी सभी सभी प्रॉब्लम, सारे स्ट्रगल्स सब ठीक हो गए। फिर कुछ देर के बाद पंडित जी ने उस किसान को नहलाया, उसके बाल बाल सब कटवाए, उन्हें अच्छी धोती दी, उसे अच्छे से तैयार किया और बहुत ही बड़ा अनुष्ठान के साथ केदारनाथ धाम में उनको पूजा करवाया और उन्हें भी सब लोग भगवान भगवान ही मानने लगे। ये सब करके किसान बहुत ही तृप्त हो गया, बहुत ही खुश हो गया और वो भगवान महादेव की पूजा करके उस केदारनाथ धाम से अपने घर को निकल गया। तो दोस्तों, ये कहानी बहुत ही ट्रू है, बहुत ही सच्ची है। आई नो आप लोगों को ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी और मुझे नहीं पता कि इस कहानी को आप कितना मानते हो, लेकिन मैं इस कहानी को सुनकर पहली बार जुड़ सा गया था, मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों ये कहानी सुनकर। आई होप आप लोगों को भी ये कहानी बहुत पसंद आई होगी, आपके दिल से जुड़ गई होगी। मैं आज तक कभी केदारनाथ नहीं गया हूँ, लेकिन ये जब कहानी सुनी ना, मेरे दिल से कहीं ना कहीं ये बात कनेक्ट हो गई कि मैं एक बार केदारनाथ जरूर जाऊँगा। अगर आपको भी कभी मौका मिले केदारनाथ धाम जाने का, तो प्लीज़ आप जाओ और इस कहानी को जितना हो सके उतना लोगों तक पहुंचाओ, इस वीडियो को जितना हो सके उतना लोगों तक शेयर करो। ये बहुत ही अच्छी कहानी है और अगर आप केदारनाथ जा चुके हो और इस कहानी और इस वीडियो को देख रहे हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ ये वीडियो आपको कितना अच्छा लगा और अपनी कुछ एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करो। तो दोस्तों, ये रही मेरी स्टोरी, अगर आपकी भी कोई स्टोरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताओ। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, साइनिंग ऑफ ब्लॉग्स द ढाबा।